तेलंगाना की राजधानी के हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दरिंदगी का मामला अभी थमा ही नहीं था कि ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया है। जी हाँ, वही शमशाबाद में एक और महिला का जला हुआ शव मिला है। ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ टाइम पहले एक महिला डॉक्टर का रेप के बाद जला हुआ शव मिला था। एक और जली हुई लाश मिलने से उस जगह पर, उस एरिया पर सनसनी सी मच गई है। जी हाँ, उस जली हुई लाश के मिलने के बारे में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनर ने कहा है कि शमशाबाद के बाहरी इलाके में बॉडी मिली है, बॉडी को सरकारी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और मामला दर्ज किया जा रहा है। साइबराबाद के शमशाबाद पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक और महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में सिडलागाटा रोड के पास महिला की बॉडी मिली है। महिला की उम्र करीब 35 के आसपास बताई जा रही है। पुलिस घटनास्थल तक पहुंच चुकी है और जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस घटना से पहले 37 साल की महिला पशु चिकित्सक का शव एक टोल प्लाजा के पास मिला। महिला डॉक्टर बुधवार को कोलूर स्थित पशु चिकित्सालय गई थी। डॉक्टर ने अपनी स्कूटी को शादनगर के टोल प्लाजा के पास ही पार्क कर दिया था। रात में जब वह वापस लौटी तो उसकी स्कूटी पंचर मिली। फिर महिला डॉक्टर ने अपनी बहन को फ़ोन किया और इसके बारे में जानकारी दी, और इसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। ट्विटर पर इसको लेकर काफ़ी अप्रोर है। इस दर्दनाक घटना से सब बहुत ही क्रोधित हैं, बहुत ही परेशान हैं और अपसेट भी हैं, और उन्होंने कानून से, अपनी गवर्नमेंट से मांग करी है कि जल्दी से जल्दी रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बेटी की जो फैमिली थी उसने भी यही बोला है कि जब तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो उनको मौत नहीं मिल जाती, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे।